एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह अपने कालापन और बदसूरती के कारण बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मेरा रंग एकदम काला है, मेरी आवाज एकदम भद्दी है और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। यही सोच सोच कर वह दिन पर दिन उदास होता जा रहा था। एक दिन उसने एक सुंदर हंस को देखा। उसने हंस से पूछा, हंस भाई, तुम इतने सफ़ेद और सुंदर हो, तुम्हारे पास सुंदर चोंच भी है, तुमको लोग पसंद करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पसंद करता। यह सुनकर हंस ने जवाब दिया, पहले मैं भी मानता था कि मैं ही सुंदर हूँ, फिर मैंने एक दिन हरे रंग वाले और लाल चोंच वाले तोते को देखा, तब मुझे पता चला कि मुझसे सुंदर वह तोता है। अब कौवा तोते के पास गया और पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो, तुम्हारी सुंदरता का क्या राज है? उस तोते ने कहा, अरे भैया, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो जंगल का मोर है, उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके बहुत ही सुंदर सुंदर पंख है। अब कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा, मगर पूरे जंगल में खोजने पर उसे मोर कहीं नहीं मिला। जंगल के जानवरों ने बताया कि एक दिन एक शिकारी यहाँ आया और सारे मोर को पकड़कर चिड़ियाघर लेकर गया। तुम चिड़ियाघर में जाकर मोर से मिल सकते हो। वह कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और पिंजरे में बंद पड़े मोर से पूछा, मोर भैया, तुम इतने सुंदर कैसे हो? तब मोर ने रोते हुए जवाब दिया, मैं अपनी सुंदरता के कारण यहाँ पर आज कैद हूँ, अब मैं जंगल में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता, इसलिए भगवान ने तुम्हें जैसा भी बनाया है अच्छा ही बनाया है, क्योंकि तुम स्वतंत्र रूप से पूरे जंगल में घूम सकते हो।